की बड़ी सफलता। कैंट पुलिस ने 280 ग्राम स्मैक के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा। कैंट पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि गोपालपुरा में एक आसमानी कलर का कुर्ता व सफेद रंग की धोती पहने एक अज्ञात व्यक्ति खड़ा है, जिस पर कैंट टीआई मदनलाल मालवीय ने एसपी राहुल कुमार लोढ़ा को सूचना दी। एसपी के आदेश से उस व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम कजोड़ मीणा, पुत्र हीरालाल मीणा, उम्र 25 वर्ष, थाना हरनावदा, जिला बारा का रहना बताया। कजोड़ मीणा की तलाशी के दौरान अंदर की पहने हुए बनियान की जेब में हल्के भूरे रंग की पैकेट रखी थी। इसकी तलाशी ली गई तो 280 ग्राम स्मैक मिली। इसकी कीमत 56 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कजोड़ मीणा को गिरफ्तार कर स्मैक की तस्करी करने की धारा लगाकर उसे जेल भेज दिया है। बेसिकली हम लोग काफ़ी दिनों से इसके लिए जो है तलाश भी कर रहे थे। हमारे पास जो हमने आप लोगों को याद होगा कि एक एक महीना बड़ा था हमने कुंडा था जिसके पास 100 ग्राम स्मैक बरामद हुई। तब मैंने बताया भी था कि हमारे आज गुना पुलिस द्वारा जो है वो मादक पदार्थ के अभियान में, धरपकड़ के अभियान में एक अच्छी सफलता हासिल की गई है, जिसमें हम लोगों ने कजोड़ मीणा करके एक अपराधी है जिसके पास से 280 ग्राम की स्मैक की बरामदगी की है, जो कि कमर्शियल क्वांटिटी से भी ज़्यादा है। इसको जो इससे हम लोगों ने अभी कार्रवाई करके पुलिस हिरासत में लेके जेल भेज रहे हैं। साथ साथ में इससे पूछताछ में और भी कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं कि किस तरीके से इसका जो है वो अंतर्राज्यीय नेक्सस चलता था। राजस्थान से ये स्मैक की स्मगलिंग करके और कुमराज मृगवास जो एरिया है गुना का, वहाँ पे ये स्मैक बेचता था बड़ी मात्रा में। उसको पुलिस ने आज पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई। सर करीबन कितनी कीमत की स्मैक है ये? स्मैक करीबन 56 से 60 लाख के आसपास की स्मैक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्यांकन के सर। ये जिले में लगभग 20 वर्षों पहली कार्रवाई है, ऐसी क्वांटिटी जो संपत्ति कुर्की की जाएगी यहाँ ये? हाँ, ये बेसिकली क्योंकि कमर्शियल क्वांटिटी से ऊपर है तो ये एक बड़ी कार्रवाई है। इसमें और भी इसमें प्रावधान जो है वो हमारे लिए खुले हो जाते हैं कि इसमें अगर अपराधी द्वारा जो है ये मादक पदार्थ का व्यवसाय कर से जो संपत्ति अर्जित की है उसकी भी